या हाफ टी स्पून, या क्वार्टर हाफ ही होता है ना, तो उसको आप डाल लें। ठीक है, अच्छा 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाल दें, और कुटी हुई क्वार्टर टी स्पून जो है ना गरम मसाला डाल दें आप इसमें सही ना, और सही। थोड़ा सा काली मिर्च भी डाल दें हाफ टी स्पून। इसके बाद ना चिकन को अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। मिक्स करने के बाद फिर इसमें आप क्या करें, अगर आपको पसंद है हरी मिर्च या हरा धनिया तो वो भी आप डाल लें कटिंग करके, और इसे मिक्स करके निकाल लें सही अच्छी तरह। सही। ठीक है, सन कर लिया, सीजन कर लिया इसको, सब्जी को मैं वो करने के बाद आप इसे पैन को ना चूल्हा बंद कर दें, सही आपने जला के नहीं रखना है चूल्हा, सही। चूल्हा बंद कर दें। चूल्हा बंद करने के बाद आप जिस बॉल में आपने वो सब्जी डाली है ना, आप उसमें ये चिकन डाल दें। सही है चिकन जो है ना वो डालने के बाद आप उसको मिक्स करें, पकाना नहीं है इसमें ना। सही। अच्छा, रोल भरने से पहले आप जब रोल को पैक करेंगे ना, उसके बाद आपने उसमें नमक डालना है बस, कि 2 मिनट आपको, अब रोल आपने भरना है तो जब नमक आप डालें, नमक सही पहले से ना डालें क्योंकि सब्जी में ना पानी आ जाए। ओके। ठीक है, ऑलमोस्ट रेडी हो गया, ऑलमोस्ट रेडी हो गई है सब्जी और वेजिटेबल जो भी है चिकन के साथ। फिर आपने क्या करना है, ये जो आपने बैटर तैयार किया था ना मैदे का और ऑयल वगैरह, फिर आपने क्या करना है, 12 इंच का जो है वो ले लें आप, क्या कहते हैं पैन ले लें, सही है नॉन स्टिक का पैन, सही। वो आप चूल्हे पे रखें। हार्ड ज़्यादा ना हो ना, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म ना, नॉन स्टिक पैन जो है ना, सही और रख लें चूल्हे पे। उसके बाद आपने क्या करना है कि कप जो है ना, 1/3 कप 80 ml जो है ना वो उसमें, वो बैटर जो है उसका वो उसमें डालें, सही। कप उसमें फ्राई पैन में डालें, और उसको हल्के हल्के हाथ से हिलाएं ताकि वो गोल शेप में पूरे पैन में जो है ना सही है, स्मूथ सा बन जाता है बैटर, और इसको सही। आप डालें। डालने के बाद आपने पलटना नहीं है, जब ये पैन को छोड़ने लगा है ना, आप एक बटर पेपर ले नीचे रखें, उसके ऊपर आप जो है ना उसको रख लें सही जो आपने बनाया है रैपर। ठीक सही। है, तो आप उसको 3 4 5 जितना आप बना लें, 10 बना लें, 20 बना लें रैपर, जब वो यानी कि रेडी हो जाए सारे, फिर आपने क्या करना है, जो इधर जो आपने बैटर इसका भी तैयार किया हुआ है और वो भी तैयार किया हुआ है, चिकन भी तैयार है सब्जी के साथ, फिर आपने क्या करना है, देखिए स्प्रिंग रोल में बारीक फिलिंग करते हैं ना थोड़ा सा, कि रोल जो है ना वो पतला बने, इसको थोड़ा मोटा बनाना है। ठीक है, आप उसको क्या करें, दोनों पहले ऊपर से वो करें, और डालने के बाद जब उसमें वो क्या बोलते हैं, जब मिक्स सब्जी वगैरह चिकन है जो भी सारी चीजें हैं बैटर है वो सारा डालें, डालने के बाद इस साइड से रोटी को फोल्ड करें, ऊपर की साइड से सही जो है। रैपर है उसे फोल्ड करें, फिर दोनों साइड से फोल्ड करके ना आप उसको क्या करें, फिर उसे अंडे उसके बेस मैदे का जो बनाते हैं ना एक लिक्विड सा पेस्ट, वो आप लगाएं, लगाने का उसे फोल्ड करते जाएं करते जाएं, और उसे पैक कर दें। बिल्कुल सही रेडी हो गया, रेडी आप 10 कर लें, 20 कर लें, जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए, जितने लोग हैं आपके घर में, वैसे तो एक काफी होगा ना, एक काफी होगा रोल, और अगर खाने वाले तो भी खा लेते हैं, लेकिन ये ऐसा रोल है, एग रोल ऐसा है, नई चीज है, और जो है क्या कहते हैं मांडा तो मिल जाता है, जो पट्टियां मिलती है समोसे की पट्टी है, रोल जी पट्टी है, जी तो जी उससे तो हैवी हो जाता है ना बहुत ज्यादा, तो हाँ, तो उसमें जो है आप एक बनाएंगे, इसमें है कि आप टेबल पे रखें, दस्तरखान में लगाएं, सजाएं, और मेहमानों के सामने रखें, बहुत मजे से सब एक काफी हो जाता है मेरे ख्याल से ना। सही। इसे पैक कर लें, पैक करने के बाद आप इसे डीप फ्राई, बहुत ज्यादा डीप फ्राई ना करें, शेलो सही। फ्राई करके आप इसे जो है ना बटर पेपर पर डालें, या वैसे ही डालें छानना में डालें, जब इसको ऑयल खुश हो जाए ना फिर आप प्रेजेंट करें, उसको प्लेटों में लगाएं या डिश में लगाएं, जिस सही। तरह से करना चाहें करें, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत कम बजट में बन जाता है। जी हाँ, तो जनाब ये है तो ये आज। रेस जी। जी ये रेसिपी बताने का मकसद ये है कि कम बजट में आपकी चीज़ें तैयार हो गई, और आप जो है ना टेबल पे बैठे एंजॉय करें, क्योंकि ये कुर्बत का महीना, अल्लाह ताला की कुर्बत का है, हासिल करने का महीना है। ठीक है, डिफरेंट किस्म की जो है ना चीजें बनेगी, रेगुलर आपने खाना है, कुछ ना कुछ तो बनाना है, तो
तो इस तरह से बनाए, इसमें फ्रूट चाट बना लें या कुछ और भी बना लें आप, तो बड़ा सही, अच्छा लगता है। बच्चे भी इंजॉय करते हैं, बड़े भी इंजॉय करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी बोलने, हाँ बहुत तो मजा जनाब, आता है। हाँ तो जनाब, ये आज की जो रेसिपी थी वो एग रोल हैं, जो कोई आपको शेफ सोनिया बता रही थी, और उन्होंने ये भी बताया कि इसमें कितने आपके पैसे कम खर्च होंगे और आप घर बैठकर ये एग रोल बनाकर और खाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो जनाब, इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आपको कम बजट की चीज़ें आपको बताई जाएं और उनकी रेसिपी बताई जाए, ताकि आसानी से आप घर में वो चीज़ें तैयार करें और अपनी फैमिली के साथ उसको एंजॉय करें। क्योंकि जिस तरह की हालात हैं, जिस तरह के सूरत हाल है इस वक्त, यकीनी तौर पर लोगों के लिए मुश्किलात हैं, महंगाई ज़्यादा है। तो हमारी कोशिश है अपना रेडियो न्यूयॉर्क की, अपना टीवी न्यूयॉर्क की, कि आपके साथ इस तरह की चीज़ें शेयर की जाएं जिससे आपको फ़ायदा हो और आप यकीनन इस रेडियो को सुनते हैं, इस टीवी को देखते हैं। तो हमारी कोशिश इसी तरह जारी रहेगी कि हम आपके साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लेकर आते रहें और उससे आपको इन्फॉर्म भी करते रहें और साथ साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताते रहें जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। क्योंकि हर बंदे का फ़र्ज़ है कि वो सामने वाले के लिए आसानी पैदा करे। इस महीने का मकसद भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद की जाए। तो हमारी कोशिश है कि हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपकी मदद कर सकें और आपके लिए ये प्रोग्राम हम लेकर आएँ। शेफ सोनिया, आपका बहुत शुक्रिया आज की रेसिपी के हवाले से, और यकीन जी, कल हम फिर आपके साथ होंगे और फिर एक नई रेसिपी के साथ फिर बिल्कुल हाजिर होंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। हाजिर होंगे, और यकीन वो रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और सोनिया को दिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भागोली के जेर एहतमाम हैंडपंप प्रोजेक्ट पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जहाँ पानी की शदीद किल्लत है, अपने प्यारों के नाम से हैंडपंप सिर्फ $150 में लगवाएं। आपको पंप की तस्वीर, वीडियो और एड्रेस मुहैया किया जाएगा। मजीद मालूमात के लिए बशीर कमर से 3476545685 या सलमान शेख से 5164584632 पे राब्ता करें।